वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन आप सुन रहे हैं हमारे पैनलिस्ट क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये इस इन ताल्लुकात में पेचीदगियां हैं, मसाइल हैं, लेकिन ये सुनिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने वॉशिंगटन में क्या कहा। वॉशिंगटन दैट आहा इट्स गोना बी टफ टॉकिंग। यस देयर वर कंसर्न्स ऑन बोथ साइड्स एंड वी शेयर्ड देम एंड व्हाई नॉट बट आवर रिलेशनशिप इज ऑफन मिसअंडरस्टूड विद व्हाट इज रिपोर्टेड इन द मीडिया। I have nothing to add to that. कुछ समझ नहीं आई इनके मतलब क्या है। और एक सीरियस मसले पर बात हो रही है। एज यूजुअल हुकूमत का जो फेवरेट नाजरीन पंचिंग बैग है वो है मीडिया। तो लाकर बात सारी उन्होंने लगता हमें यूं है कि फिर मीडिया के सर डाल दी कि मसाइल हैं लेकिन वैसे नहीं है जो कि मीडिया कह रहे। तारिक फातमी साहब आप बताइए कि मसाइल तो हैं और ये जिस तरह से आप लोग बात कर रहे हैं उससे तो लगता है कि मसला ठीक है, एड की बात हुई है, मिलिट्री एड की, लेकिन मसला वहीं का वहीं है। आप कह रहे हैं पेचीदगी पैदा हो रही है, डॉक्टर मलिया लोधी ये कह रही हैं, शरीर रहमान ये कह रही हैं। तो पाकिस्तान के जो अमेरिका के साथ अफगानिस्तान के हवाले से ताल्लुकात हैं, विल दे गेट मोर कॉम्प्लिकेटेड? जी हाँ, कॉम्प्लिकेटेड होंगे। मलिया ने जो पॉइंट रेज किया बिल्कुल सही रेज किया। और जून में जब मैं अमेरिका गया था उसके बाद मैंने आर्टिकल में यही चीज़ लिखा था कि मेजर डाइवर्जेंस है व्हाइट हाउस और डीओडी के स्ट्रेटजी में, जिसका अभी जिक्र किया उन्होंने, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के जी, यानी रॉबर्ट गेट्स कम है जी, रॉबर्ट गेट्स से ज्यादा जो जनरल्स हैं। फिर दो हफ्ते पहले मैंने फिर एक किस चीज पर पॉइंट आउट किया अपनी आर्टिकल्स में कि ओबामा एंड इज जनरल्स, क्योंकि जनरल पेट्रियस जो हैं वो उनकी एक मिशन है, न सिर्फ विक्ट्री इन अफगानिस्तान बल्कि उनकी एक पोलिटिकल एम्बिशंस है। और वो पोलिटिकल एम्बिशंस जो है वो अफगानिस्तान कैन आइदर लॉन्च हिम ऑन दैट और इट कैन टर्न इन टू हिज ग्रेवयार्ड। तो ये भी एक फैक्टर है। दूसरी फैक्टर यह है कि जनरल सभी इस चीज के लिए तैयार नहीं है कि अफगानिस्तान में किसी किस्म की सेटलमेंट। वो उस बात पर यकीन रखते हैं कि शायद 10,000 या 20,000 ये 6 महीना ये 12 महीने के बाद हम तालिबान को निगोशिएट टेबल पर बाय फोर्स लाएंगे। पाकिस्तान जो है बाय फोर्स नहीं लाना चाहता। और यूरोप का भी कुछ मुख्तलिफ व्यू है बिल्कुल डेफिनेटली। पाकिस्तान की को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि अगर मिलिट्री ऑपरेशन एक्सपेंड करते हैं और थिएटर ऑफ ऑपरेशन एक्सपेंड करते हैं तो वो पाकिस्तान में एक्सपेंड करेंगे तो उसकी फॉलोआउट पाकिस्तान और पाकिस्तान के शहरियों पर होगी। तो पाकिस्तान तो ये फेवर नहीं कर सकता, इसलिए पाकिस्तान की ख्वाहिश जो है वो पोलिटिकल डायलॉग की तरफ है। ये जनरल्स की ख्वाहिश है कि वो मिलिट्री ऑपरेशन एक्सपेंड, तो ये एक मेजर डाइवर्स है, इसमें कोई शक नहीं है। इंप्रूवमेंट यहां तक है डेफिनेटली कि अब पहली दफा अमेरिकन्स पब्लिकली और प्राइवेटली इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हां किसी अफगानिस्तान के पॉलिटिकल सेटलमेंट में पाकिस्तान का एक रोल है और पाकिस्तान को इन्वॉल्व करना चाहिए। यह रिकॉग्निशन जो है और यह फैक्ट है कि यह एक प्लस पॉइंट है, मगर किस किस्म की इन्वॉल्वमेंट होगी और पाकिस्तान के कौन से इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा उस निगोशिएशन में, इसका अभी तक हमें इल्म नहीं है। मलिया आप अमेरिका में 2 मरतबा सफीर रह चुकी हैं, आपने ये 3 जो डायलॉग्स के राउंड्स हैं फॉलो किए हैं, हमें ये बताइएगा कि ये फिर मैं उसी सवाल पर आऊंगी, हम क्या एक्सपेक्ट करें, किस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त इसको नेगोशिएट करे, किस तरीके से नेगोशिएट कर रहा है कि हम ये जो एक तरीके से दलदल है, अमेरिका का अपना व्यू है, आपने भी कहा जनरल पेट्रियस की जो पोजीशन है, शेरी ने उसकी बात की, तो मेरा ख्याल है कि कोई मीटिंग पॉइंट नजर नहीं आ रहा। हालांकि अखबार में बड़ी धूम है कि अखबारात में कि और एड मिल रही है और जो भी फातमी साहब ने कहा वो एक्चुअली एड एडिशनैलिटी तो कम है, तो हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड? ये तो लग रहा है कि और कॉम्प्लिकेटेड होंगे मसाइल। देखिए जो सबसे डिफाइनिंग इस वक्त चीज है इन ताल्लुकात के बारे में वो ये है कि दोनों मुल्कों को एक दूसरे की जरूरत है अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। अमेरिका जाहिर है कुछ चाहता है इस खत्ते में, अफगानिस्तान में और काउंटर टेररिज्म के हवाले से, और पाकिस्तान अपनी जिसको आप कह लीजिए स्ट्रेटेजिक रिकवरी, चाहे वो इकोनॉमी के हवाले से हो या सिक्योरिटी के हवाले से हो, उसकी खातिर अमरीका की उसको जरूरत पड़ती है। लेकिन ये जो म्यूचुअल नीड जिसको मैं कहती हूँ, ये म्यूचुअल ट्रस्ट में नहीं तब्दील होती है। और यही इस ताल्लुकात का जो सबसे सेंट्रल पैराडॉक्स जिसको आप कह लीजिए वो यही है कि ये हो नहीं पा रही, बिकॉज असल चीज ये है कि जो इंटरेस्ट हैं दोनों मुल्कों के मुख्तलिफ इश्यूज पे वो
अलाइन नहीं है. अब आप ये दौर ही देख लीजिए, ये जो हुआ है थर्ड राउंड स्ट्रेटेजिक डायलॉग का, इसमें जो पाकिस्तान के बिग टिकट आइटम जिसको मैं कहती हूँ, जो कि उसकी ख्वाहिशात में सबसे अहम दर्जा रखते हैं, वो क्या थे? पहले तो ये कि एक सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को एक्सेस दिया जाए. दूसरा ये कि पाकिस्तान को मार्केट एक्सेस दी जाए, वो ROZ के तहत नहीं, वो जो एक महदूद किस्म का है, वो भी अमेरिका पास नहीं कर सका पिछले 4 साल से कांग्रेस में, मगर मैं एक बड़े ट्रेड डील की बात कर रही हूँ. और तीसरी चीज कि हिंदुस्तान के हवाले से जाहिर है पाकिस्तान की तवक्कोआत हैं, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी उनका एक्सप्रेशन किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर के हवाले से. अब आया सवाल ये पैदा होता है, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि इसके मुस्बत पहलू भी थे और इसके मनफी पहलू भी थे इस स्ट्रेटेजिक डायलॉग. अच्छा, मगर अगर आप बिग टिकट आइटम देखते हैं तो उस पर तो कोई पेशरफ नहीं हुई. अच्छा, बिग टिकट आइटम से मलिया कह रही है पेशरफ नहीं हुई, तो फिर हम अलावा इसके कि इकोनॉमिक एड आ रही है, जिसको हम उसकी इंपॉर्टेंस को अंडरमाइन नहीं करते क्योंकि हमारे इस वक्त जो हालात हैं, लेकिन बिग टिकट आइटम्स पे आए एक डेडलॉक सिचुएशन है. अफगानिस्तान पे दिसंबर में रिव्यू होना है, अमेरिका उसमें लचक तो नहीं दिखाएगा, तो फिर देखिए बात यह है कि उनके हमारे जो बिग टिकट आइटम्स हैं, हमेशा से जैसे मैंने कहा, उन्होंने इसमें कोई खास रिव्यू या लचक नहीं दिखानी क्योंकि उनके एम्स अलग हैं. उनका मसला अपनी नेशनल सिक्योरिटी है, और अगर आप समझते हैं कि 1960s की तरह आपकी रिलेशनशिप हो जाए तो वो इस वक्त मुश्किल लग रहा है. अमेरिका खुद अपने इकोनॉमिक मसाइल में फंसा हुआ है और आगे भी G20 के हवाले से और उसको मसाइल होंगे. और हिलरी क्लिंटन कहती हैं अब अपना टैक्स बढ़ाएं बजाय हमसे तो पैसे मांगने. वो कहती हैं कि आप और गलत तो नहीं कहती, आप अपने स्ट्रक्चरल चेंजेस जब नहीं लाना चाहते तो हम कितना इसमें पोर इन करें. खैर वो एक दूसरी बात है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के वक्त थोड़ा लचक पार्टनर्स को दिखानी भी चाहिए. इस वक्त 2 बिलियन का UN जो अपील है वो भी आधी नहीं हुई है. लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर तो वो नहीं थी, नहीं, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर स्टिल इज यूनाइटेड स्टेट्स, 400 मिलियन वेरी मच. और UK एंड US दोनों बहुत पुश कर रहे हैं दूसरों को भी, दूसरे ममालिक को. ये बात अलग है, आप तो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की बात करिए और ये कहाँ जा सकती है. देखिए ये जा एक हद तक सकती है अगर हम बैठ के बहुत एक क्लियर बात करें, वजाहत से कहें, दोनों की पॉलिसी एक हद तक और जो मिलिट्री पॉलिसी है, दोनों की पॉलिसी एक हद तक अमेरिका की हमसे ज्यादा कोवर्ट है जी, अंडर द रेडार रहती है, जो बार बार आप सुनने में आपको आती है. मसलन ये ड्रोन जो अटैक, कोवर्ट कहाँ शरी, कोवर्ट इन द सेंस के जब आप सुनते हैं कि वहां जो हो रहा है अफगानिस्तान में, उसमें अमरीका की एक अपनी प्रेजेंस है स्ट्रेटेजिक, फिर उसके बाद उनकी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स की प्रेजेंस है, फिर उसके बाद उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज की ऑपरेशंस हैं जिनकी कोई रिकॉर्ड अक्सर मिलता नहीं है. तो द अफगानिस्तान हैज बीन अ थिएटर फॉर कोवर्ट ऑपरेशंस फॉर मेनी कंट्रीज, टॉक्ड अबाउट ओवर्टली नहीं, कोवर्ट ऑपरेशंस फॉर मेनी कंट्रीज, प्लीज बी वेरी क्लियर. और इसके बहुत चैप्टर एंड वर्स निकलता रहा है और निकलेगा, तो इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती. Let us not pretend. नहीं नहीं, ओवर्टली तो बात होती है ना, कोवर्ट जरूर है. नो नो, पॉलिसी इज एट लीस्ट 30% कोवर्टाइज्ड इन अफगानिस्तान फॉर ऑल द प्लेयर्स इंक्लूडिंग. अगर आप इजाजत दें जी, की निशानदेही कर रही हैं. लेट मी जस्ट फिनिश, वन सेकंड. ड्रोन्स के अलावा मैं बात कर रही हूँ, देर इज मच मोर टू ड्रोन्स देन कोवर्ट पॉलिसी. वो अमरीका की तरफ से ह्यूमन इंटेलिजेंस भी वहाँ बहुत मौजूद है. इट इज द लार्जेस्ट CIA स्टेशन इन द वर्ल्ड एंड देर इज अ रीजन फॉर हमें परेशान होने की. कोई ना कोई हमें तशवीश जरूर होनी चाहिए, लेकिन इस तशवीश को दूर करने के लिए, इंकर्जन्स को रोकने के लिए, उनकी बाद में डेस्परेशन को खत्म करने के लिए, क्योंकि एक दिन वो डेस्परेट हो सकते हैं. अब आप जो भी आप पॉलिटिकल रेकंसिलिएशन को ना फॉलो करें कि जी देयर नो मिलिट्री सॉल्यूशंस, तो आप देखें दोनों तरफ पाकिस्तान को हसास पॉलिसी बनानी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा कि जब तालिबान के साथ रेकंसिलिएशन होता है तो पाकिस्तान को क्या क्या अपने एक्शंस लेने पड़ेंगे टू गार्ड पाकिस्तान अगेंस्ट तालिबानाइजेशन एंड वॉरलॉर्ड क्रिमिनल एक्टिविटी.
दूसरा हमें देखना पड़ेगा अमेरिका अगर काउंटर टेररिज्म के साथ कैरी ऑन करता है, सर्ज रहती है, उसका पाकिस्तान पे क्या असर होता है, बहुत मनफी असर होता है। तो वी आर इन फॉर वेरी टफ, अच्छा वी आर इन फॉर वेरी टफ टाइम्स। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और तारिक फातमी साहब से पूछेंगे वी आर इन फॉर टफ टाइम्स, तो फिर क्या किया जाए ब्रेक के बाद।